हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल मंडल करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डाइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन लाया हूं, ओपन डाइस से। अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर दें और अगर नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। देखिए, ये जो ओपन डाइस है, ओपन डाइस से रिलेटेड ये क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये ओपन डाइस में क्वेश्चन क्या है कि इसको अगर क्लोज कर दिया जाए, अगर बंद किया जाए, तो ये चार बॉक्स में से कौन सा बॉक्स होगा। तो यहां पर देखिए, हम लोग जब भी ओपन डाइस को हम लोग देखेंगे तो इसमें देखिए एक अल्टरनेट, एक छोड़ करके करेंगे तो वो उसका अपोजिट होता है। तो ए का अपोजिट में डी होगा, है ना, बी का अपोजिट में एफ होगा और बच गया सी, तो सी का अपोजिट में ई होगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा, एक छोड़ करके जो होगा वही उसका अपोजिट होता है। तो ए का अपोजिट में डी, बी का अपोजिट में एफ और बच गया सी और ई, तो सी का अपोजिट में ई होगा। अब यहां पर देखिए सी डी है ना, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ई है, डी है, तो यहां पर आपका सी के अपोजिट में ई होना चाहिए। देखिए साफ दिख रहा है कि सी का अपोजिट में ई होना चाहिए, लेकिन यहां पे बगल में है तो ये नहीं होगा, है ना। अब यहां पर देखिए, इस पर अगर देखते हैं तो देखिए ए है, ए का अपोजिट में डी, यहां पे डी नहीं दिख रहा है। सी का अपोजिट में ई, यहां पे ई नहीं दिख रहा है। बी का जो अपोजिट में एफ, यहां पर एफ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अपोजिट में सारा है, एक भी बगल में नहीं दिखा, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है और यही है भी। आप देख सकते हैं, जैसे यहां पर देखिए, जैसे अगर बात करेंगे सी और ये यहां पर भी है, जबकि सी का अपोजिट में होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। यहां पर देखिए बी ए, ए का और यहां पर देखिए बी और एफ है, है ना, बी का अपोजिट में एफ है और यहां पर देखिए बी का बगल में है, तो क्या यहां पर ये भी होगा, क्या नहीं होगा। बी का अपोजिट में होना चाहिए था लेकिन यहां पर तो बगल में, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा, है ना। उम्मीद करेंगे आप ये अच्छे से समझ गए। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे देता हूं, अगर आप अभी सीखे तो। चलिए क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें से अगर मान लीजिए सपोज दैट कि इसको मिटा देता हूं और देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस पर मैं आपको बनाकर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है जल्दी अगर आप सीख गए हैं तो। दिया देखिए, एक ओपन डाइस हम इस टाइप से बना देते हैं, ये एक ओपन डाइस है, ठीक है, और ठीक है ये ओपन डाइस है। चलिए इसका वैल्यू दे देता हूं 143 143 6 25 25, ये ओपन डाइस है, है ना। और इसमें आपका जो बॉक्स दिया हुआ है 2 3 5 2 3 5 4 6 3 4 6 3 3 2 5 3 2 5 और 4 1 3 4 1 3, है ना। अब यहां पर देखिए, ये जो ओपन डाइस है इसको क्लोज कर दिया जाए तो चार बॉक्स में से कौन सा हो सकता है, ये आपको पकड़ना है। तो देखिए, अगर आप अपने से बना सकते हैं तो बनाइए और नहीं जानते हैं तो देखिए, ये एक का अपोजिट में 2 होगा, क्लियर, 4 का अपोजिट में 6 होगा और 3 का अपोजिट में 5 होगा। तो देखिए 3 का अपोजिट में 5 होगा, यहां पर बगल में है, ये नहीं होगा। फिर देखिए इसमें देखिए 6 का 4 है, 6 का अपोजिट में 4 होना चाहिए, यहां पर बगल में है, ये भी नहीं होगा। फिर यहां पर देखिए 5 या 2 है, यहां पर देखिए 2 का अपोजिट में 3 2 का, देखिए यहां पर आपका इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 5 का अपोजिट में 3 है या 3 का अपोजिट में 5 है, यहां पर बगल में दिख रहा है, है ना। 3 का अपोजिट में 5 होना चाहिए, बगल में दिख रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा, बच गया ये, यही होगा। आप देख भी सकते हैं 4 का, तो 4 का अपोजिट में 6, यहां नहीं दिख रहा है। 1 का अपोजिट में 2, 2 नहीं दिख रहा है। 3 का अपोजिट में 5, यहां पर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यही होगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट कम समय में एक बहुत अच्छा सा सीख गए होंगे अगर नहीं जानते थे। और इसी तरह के क्वेश्चन अगर कभी भी आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बड़ी फटाफट आप आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इस तरह के अगर ओपन डाइस मिलेंगे और उसको क्लोज कर दिया जाएगा तो आप कैसे उस क्वेश्चंस को बना सके, है ना। तो इसी तरह हमारे चैनल पर आप बने रहिए लगातार, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लगातार मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग में देते रहूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।